दी पीछे यहाँ पे स्कूलों का नामकरण भी इनके नाम से हो गया सर। जो बेनिफिट करती है तक्षशिला की पंचायत को, इसमें तीन स्कीमें नबार्ड की 27 की, तो पंचायत का तक्षशिला टू रमलू एट तारा रिजॉर्ट। और हेल्थ की जो हमारे दो सेंटर सर 10 हैं। और सर जस्ट टू ब्रीफ योर वर्दी ऑन, यहाँ के लोगों के लिए रीचेबल है इसके लिए हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यू विजयपुर में हेलो सर का वेलकम करता हूँ पंचायत में, और साथ में सांबा के एसएसपी साहब और हमारे एडिशनल एसएसपी साहब, वो बाकी सारे जो जितने भी हमारे अफसरान आए हुए हैं, मैं इनका सबका वेलकम करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारी पंचायत में आपने देखा होगा छोटी छोटी जो भी डेवलपमेंट है वो जहाँ पे होती रहती है, और पंचायत का जो है जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम है, पंचायत को पावर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें अच्छा रहा। जहाँ पे जितनी पहले पावरें नहीं होती थी, जब हमारे पिछली बार भी मैं सरपंच था, पिछली बार हमारे पास इतनी पावर नहीं थी, जब इतनी इस बार जितनी हमें पावर मिली है उससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट मिले हैं। जैसे दो सरोवर जहाँ पे हमने दिए हैं पंचायत में, वो लोगों को भी अच्छा लगा कि डेवलपमेंट कुछ हो रही है। ऐसे ही हमारे पास जहाँ पानी का पीने का पानी नहीं था हमारे पास, वो भी हमारे जहाँ पे दो ट्यूबवेल जो है नए मिल गए हमें। ऐसे ही बिजली का जो ढांचा बिगड़ा हुआ था उसमें भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है, वायर जो है वो चेंज हो रही है सारी। ऐसे ही हमारी आगे की जो ट्रांसफार्मर है वो अपग्रेड हो रहे हैं, और काफ़ी सारे जितने जो छोटे छोटे बेनिफिट होते हैं, जैसे हमने अपने लेवल पर जहाँ पे सफाई अभियान जो हमारा चलता रहता है, जहाँ पे दो प्राइवेट ऑटो अपने दिए हुए हैं, वो पूरी पंचायत को देखते हैं, जहाँ सुबह कूड़ा कचरा जितना भी होता है वो उठाते हैं तो बाहर फेंक के आते हैं। उससे हमारा क्या कि पंचायत का जितना भी है वातावरण वो साफ सुथरा रहता है, तो उससे मैं हमें जो चाहते हैं कि पंचायत की और भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो हम सर से डिमांड करते हैं कि जैसे हमारे पास इनकम सोर्स जहाँ पंचायत के कम होते हैं, जैसे हमारे पास तालाब हैं जहाँ पे जितने तालाब बंद पड़े हुए हैं वो हमें खोल के दीजिए, निशानदेही करके दीजिए, वो हम अपने सोर्स जहाँ पे फिश वगैरह डाल के हम वो सोर्स जहाँ पंचायत में पैदा करना चाहते हैं, वो भी काफ़ी सारी हमारी जो जहाँ की डेवलपमेंट है वो पंचायत के लेवल पे होनी चाहिए। जैसे हमारे पास 23 लाख रुपया हर साल मिलता है, वो हमें पंचायत में कम से कम 50 लाख 60 लाख रुपया होना चाहिए, जिससे हमारी जो अधूरे काम रह जाते हैं वो भी पूरे होने चाहिए। तो कि सरकार खुद आपके द्वार तक आएगी, इसी के क्रम में बैक टू विलेज कई प्रोग्राम हुए हैं और आज उसका 5वां चरण हो रहा है। जो पिछले चरण हुए हैं उसकी जो प्रगति हुई है उसको हम लोगों ने देखा, और ये हर्ष का विषय है कि काफ़ी मुद्दे जो उठाए गए थे वो सुलझा दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त इस वाले जो बैक टू विलेज कार्यक्रम है, इसमें भी जो नए मुद्दे भी आए हैं उनका भी हल शीघ्र किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ पर स्वच्छ BIS स्टैंडर्ड के पानी की व्यवस्था, हर घर में नल की व्यवस्था जो है वो शीघ्र हो जाएगी। जहाँ तक पावर की बात है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी सुधार हुआ है, और जो भी बहुत से मुद्दे उठाए गए हैं उन सब पे काम हो रहा है। मैं DC साहब को, यहाँ के प्रशासन को, और यहाँ के सरपंच और BDC के जो सदस्य हैं, ब्लॉक के जो सदस्य हैं, सबको बधाई देना चाहता हूं कि सब लोग मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और ये बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारी यूटी चाहती है कि एकदम भ्रष्टाचार मुक्त
और साफ प्रशासन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो। चाहे कोई भी क्षेत्र ले लें, चाहे आप एग्रीकल्चर का क्षेत्र ले लें, चाहे आप एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र ले लें, सभी में जो है वो प्रगति हो रही है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं उनमें भी बहुत जो है वो बदलाव और जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। साथ ही स्कूल एजुकेशन है, मेडिकल सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, कई बातों पर चर्चा हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो इंटरेक्शन है और जो यहाँ के विजिटिंग ऑफिसर हैं उनकी रिपोर्ट हम लोग डिजिटाइज करते हैं, उसका एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करके रहते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जितनी भी समस्याएं आई उन सब का अनुश्रवण इसके बाद होता रहे। तो अंत में मैं इसके लिए यहाँ के सभी अधिकारियों को और सरपंच को और सभी यहाँ के आम नागरिकों को भी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। बैक टू विलेज 5 है, आज हमने उसकी शुरुआत की। हमारे गवर्नर के सलाहकार जहाँ पे आए हुए थे और विजिटिंग अफसर भी जहाँ पे पहुँचे हुए हैं और पंचायत में आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारी डेवलपमेंट थी, जो जितने पुराने पेंडिंग काम थे उस पर भी उन्होंने चर्चा की और 28 डिपार्टमेंट वो भी कम्प्लीट जहाँ पे आए हुए थे। तो हमारा जो पेंडिंग काम थे वो भी हमने अपनी डिमांडें उस पर पूरी रखी हैं। जो काम हुए थे जैसे हमारे पास सरोवर 2 बने हैं, जैसे PHE के ट्यूबवेल 2 नए दिए गए हैं, उसमें जो पाइपलाइन है उसका काम चल रहा है और जो जितनी गलियां, लैंड, ड्रेन दोनों का वो काम चल रहे हैं वो उस पर सारा उन्होंने गौर किया है। तो जितने हमारे पेंडिंग काम है 25% पेंडिंग काम है वो भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे बहुत बहुत स्वागत। अविनाश चौधरी, चेयरमैन वार्ड वेलफेयर। आओ पैन साहब आओ। जो मेन मोटिव है चौराहों पे, चौकों में, खुले में, जहां हर बंदा पार्टिसिपेशन करे। बंद कमरे में मीटिंग होती है, ग्राम सभा जो है वो खुले में, ओपन में। जैसे पुराने आप कभी भी ग्राम सभा का कोई फोटो देखोगे तो पीपल का पेड़ होगा, बरगद का पेड़ होगा, वहां पे गांव का चौक होगा, डंगा होगा, वहां पे बैठते थे और लोग बैठते थे। तो गाँव के पंचायत के जो डेवलपमेंट के प्लान होते थे वो लोगों से पूछ के, लोगों से बात करके, उनकी दुख समस्याएं क्या है, परेशानियां क्या है, वो सारी सुनकर फिर उनका समाधान जो है वो किया जाता था। विजिटिंग ऑफिसर जो थे वो पैन डाउन करते थे हमारी बातों को और उनके पास जो विजिटिंग बुक दी जाती है उसमें वो उसको पैन डाउन करके जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं सांबा के वहाँ तक बुकलेट को पहुँचाते हैं।